वेलकम दोस्तों, हमारी 10वीं क्लास का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। 15वां चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। इसमें कोई ख़ास एक्सपेरिमेंट या तो एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो लोग ने जो एक्टिविटी के तौर पर दिया हुआ है वो उसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। तो 15.1 नंबर की जो एक्टिविटी है, रिक्वायरमेंट्स फॉर ए गुड एक्वेरियम। अगर आपने अपने घर में मछली घर रखा हुआ है, एक्वेरियम रखा हुआ है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, तो ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, लेट अस ट्राई टू डिज़ाइन वन। चलो हम खुद एक बनाना कोशिश करते हैं। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन क्रिएट एन एक्वेरियम। क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए जब हम अपने लिए एक्वेरियम बना रहे हैं। द फिश वुड नीड ए फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग, उसको स्विमिंग के लिए थोड़ी बड़ी जगह चाहिए। इट कुड बी ए लार्ज जार, सो आपकी जार जो है फिश रखने की, मच्छी रखने की, वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। फिर पानी, फिर ऑक्सीजन और फिर फूड। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पम्प, उसका एक ऑक्सीजन पम्प आता है, उससे हम उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिश फूड भी है, वो स्पेशल मार्केट में मिलता है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी एड ए फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट कैन बिकम ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। अगर कोई अपने आप पानी में जो डेवलप हो सके ऐसे प्लांट लाकर वहाँ रखेंगे तो वो भी बड़ा फायदा कारक होगा हमारी मछली घर के लिए। कैन यू थिंक हाउ इट हैपन्स, आपको पता है ये कैसे होगा। एन एक्वेरियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। एक्वेरियम जो है वो एक ऐसी चीज़ का उदाहरण है, वो एक ऐसी चीज़ का एग्जाम्पल है कि जैसे हमने खुद अपनी हाथों से एक इकोसिस्टम बनाई है, एक पर्यावरण बनाया हुआ है, किसके लिए, फिश के लिए। तो कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप, अगर हमने एक बार बना लिया एक्वेरियम तो क्या हम उसे ही छोड़ देंगे, तो चलेगा। व्हाई डज इट हैव टू बी क्लीन वंस इन ए व्हाइल, एक चौक्स समय के दौरे पर उसको साफ सुफ करना, उसकी सफाई करना, ये भी बहुत ज़रूरी क्यों होता है। वी हैव टू डू इट, ठीक है। तो उसका ये आंसर है, वंस वी डिज़ाइन अवर एक्वेरियम, जब हम अपना एक्वेरियम बनाते हैं, मच्छी घर बना दे, तो क्या करना है, वी कैन नॉट कीप इट अनअटेंडेड, हम उसको ऐसे ही एक बार बनाकर छोड़ नहीं दे सकते। वी मस्ट रेगुलरली कीप एडिंग डिकम्पोज फूड पार्टिकल्स, हमें उसमें रेगुलरली जो पूरी की पूरी तरह से नाश हो जाए ऐसा फूड पार्टिकल्स डालना रहता है। फिर एक्सट्रीटेट ऑफ फिश एंड डेड प्लांट्स पार्ट इन द ऑर्डर टू कीप द लेवल ऑफ नाइट्रोजन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वाटर कंसंट्रेटेड। अंदर जो कोई खराबी रह गई है, जैसे कि ये मलमूत्र है फिश का, या तो फिर ये जो डिकम्पोज प्लांट्स का फूड का, वो सब हमें सफाई करनी रेगुलरली बहुत ज़रूरी है। एक्वेरियम ऑल्सो नीड्स टू बी क्लीनड एवरी डे, हर रोज़ उसकी सफाई होना भी ज़रूरी है। पॉन्ड्स एंड लेक्स आर कंसिडर्ड टू बी द लार्ज इकोसिस्टम, हैंस नीड नॉट बी क्लीन। आपको दिमाग में ये आएगा, कह रहे भाई हम बाहर जाते हैं, सरोवर देखते हैं, तालाब देखते हैं, फिशें होती है, तो वो कौन डेली साफ करता है, लेकिन वो क्या है, वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है, उसको सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर ऐसे भी घटक है, ऐसे भी मिनरल्स है जो उसको अपने आप साफ रखते हैं। दे गेट फ्रेश वाटर टाइम टू टाइम फ्रॉम रेन एंड वाटर क्वांटिटी इज ऑल्सो प्लेंटी, क्या है, वहाँ पानी भी टाइम टू टाइम बारिश से और अदर वे से आता रहता है और वो चेंज होता रहता है, सो वहाँ सब कुछ अपने आप फ्रेश रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट 15.1, जिसको हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं एज अ 15.1 एक्टिविटी। वी होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मैं आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, थैंक यू वेरी मच।